हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अभी याद कर सकते हैं। बहुत ही मैंने सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आप दो आर्टिकल ये पढ़ के जाइए, आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक, किसी ना किसी सेट में ज़रूर आता है। राइजिंग प्राइस, यानी कि देखिए सबसे पहले राइजिंग प्राइस पर लिखना है। राइजिंग इकोनॉमिक्स, यानी कोई भी चीज़ टॉपिक आए हो इकोनॉमिक्स का या राइजिंग प्राइस का, तो आप बिल्कुल यही छाप के चले आएंगे और बिल्कुल आर्टिकल को सोहा कर देंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ये आर्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले राइजिंग प्राइस। देखिए, मैं इस वीडियो में दो आपको आर्टिकल कराऊंगा जो कि दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले मैं कराता हूँ राइजिंग प्राइस। द मेजर रोड ब्लॉक फॉर आवर कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आप बिल्कुल याद करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, द मेजर रोड ब्लॉक फॉर योर अवर कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द राइजिंग प्राइस, ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर एंड ओरिएंटेड कमिटेड लाइक फॉर फूड आर्टिकल इज नाउ हाई इन कॉस्ट। द एसेंशियल गुड्स दैट वी नीड फॉर अवर डे टू डे सर्वाइवल इंक्रीजिंग इन प्राइस एवरी वीक एंड मंथ। ठीक, फ्रूट लाइक मिल्क, वेजिटेबल, ग्रोसरीज। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, यहाँ ग्रोसरीज तक। एंड ग्रीन विच आर द नीडेड एवरी डे सो हाई इन प्राइस डैट देयर इज नो क्वेश्चन फॉर बाइंग और एवरी थिंग इवन थिंकिंग फॉर बाई एनी लग्जीरियस एंड नो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा थिंकिंग। एक्स्ट्रा थिंकिंग देयर इज वाइड गैप बिटवीन होल सेलर एंड द रिटेल मार्केट। तो इस तरह से ये आपका पूरा, यानी कि राइजिंग प्राइस, तो ये टॉपिक पूरा ही खत्म हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, आप इसको राइजिंग प्राइस पर लिख के आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको एम ऑफ लाइफ, यानी कि मैंने इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया है, आप इसको जरूर से ज़रूर अभी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको 100 से 140 वर्ड तक लिखना होता है, आप इतना भी लिख के चले आएंगे कि आपको नंबर तो मिलेगा, जैसे 5 नंबर 6 नंबर का है क्वेश्चन, आपको 4 नंबर तो बिल्कुल ही डिफरेंट दे देगा। तो देखिए, एम ऑफ लाइफ, योर एम ऑफ लाइफ, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सब ये आर्टिकल छाप आइएगा, बिल्कुल ही सेम मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है। तो देखिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एम ऑफ लाइफ, इट इज़ वेल सेट टू डैट एन एमलेस लाइफ इज अननंबरेबल लाइफ एन नंबरेबल लाइफ ऑल द क्रिएटर that universe have one or another specific aim. It is common for all things. यहाँ तक पहला का पैराग्राफ हो जाएगा। फिर as human are the supreme creator of God, it has been granted to right of select what is the instant to do or achieve in his her life, that the mindset of each and every person is so for its own type. Therefore, its aim in life will also to different from other. यानी बहुत ही मैंने सिंपल भाषा में आपको ये प्रोवाइड करा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर याद कर लीजिए, अभी भी वक्त है, याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ये दोनों आर्टिकल आपको तैयार कर लेते हैं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये दोनों आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, आप इसको बहुत ही आराम से इसको तैयार करके जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों आर्टिकल, यानी कि राइजिंग ऑफ प्राइस और एम ऑफ लाइफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अभी दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मैंने कॉमन लैंग्वेज में लिखा है, बहुत आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए, राइजिंग प्राइस को मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए राइजिंग प्राइस का, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच,
बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ।